संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र जैसे ही शुरू हुआ, विपक्ष कृषि कानूनों पर बहस की मांग पर अड़ गया। कार्रवाई शुरू होते ही किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित कर दिया। कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस ने एमएसपी की गारंटी पर कानून बनाने और आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। राज्यसभा में किसानों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और माकपा ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद कार्यवाही को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद सत्र से पहले कहा था कि सदन का ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। 29 नवंबर से शुरू हुआ सदन का ये सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। करीब महीने भर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में सरकार 26 बिल पेश करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने ट्वीट कर सभी दलों से सहयोग करने की अपील भी की थी। कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी प्रधानमंत्री ने आयोजित नहीं किया गया था। ये सदन का गौरव होते हैं स्पीकर, सदन का ये स्थान गौरवपूर्ण होता है। स्पीकर की एक गरिमा होती है, बाबा साहब आम्बेडकर की गरिमा होती है, हम हमेशा स्पीकर पद की गरिमा बनाए रखें। शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले प्रमुख बिल, कृषि कानूनों की वापसी के अलावा सरकार क्रिप्टो करेंसी पर रेगुलेशन को लेकर बिल भी पेश करेगी। ये बिल कुछ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने और RBI की डिजिटल करेंसी को अलाउ करने का इजाजत देगा। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट को भी लोकसभा में और राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सत्र में संशोधित नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस बिल भी पेश होगा। साथ ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिल और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बिल को भी पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में SC और ST लिस्ट में संशोधन करने की इजाजत देने वाला संविधान संशोधन भी पेश हो सकता है। आपको बता दें कि संसद का पिछला सत्र भी हंगामेदार रहा था और ये सत्र भी हंगामेदार रहने की आशंका है। इसकी वानगी आज पहले ही दिन देखने को मिल गई। विपक्ष MSP पर कानून के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अजांग टाइम्स।